तो आज ये बड़े से कैनवस में पेंटिंग बनाएंगे, तो उससे पहले कैची से कट कर देते तो मुझे ये कैनवस का प्राइस 100 रुपीज में पड़ गया था। तो ये कैनवस का मैं पन्नी हटाने के बाद पेंसिल से 4 जगह खन बना दिया ताकि मैं सब में अलग अलग पेंटिंग बना सकूं। तो गाइस अब यहाँ पे बॉर्डर्स का यूज करने के लिए मास्किंग टेप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से 4 जगह मास्किंग टेप लगा दूंगा अच्छे से। तो गाइस मैंने सोचा कि ये कैनवस में हम पेंटिंग नहीं करेंगे, आज हम मार्कर से ही कलर करते, तो चलो फटाफट से कलर करना स्टार्ट कर देते। तो मैंने यहाँ पे समय पहले येलो कलर का यूज किया, तो मैं ये ड्राइंग को सनसेट टाइप वाला ड्राइंग बनाने वाला हूँ ताकि हमारी ड्राइंग अच्छी लगे। तो अब मैं यहाँ पे फिर से ऑरेंज कलर का यूज करूंगा और जो जो मैं कलर कर रहा हूँ वो सब कलर का नाम भी नीचे लिख कर आ रहा होगा। तो दूसरा वाला मैंने नियॉन ऑरेंज कलर किया था, अब मैं ये डायरेक्ट ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करने के बाद नियॉन पिंक कलर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो नियॉन पिंक कलर तो थोड़ा खत्म होने को आ गया था, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके तो चल गया लास्ट तक। तो अब इसके बाद में मैग्नेटा कलर करेंगे। ये कलर को हम ऐसा करेंगे कि जैसे हमारा क्लाउड्स बन जाए। तो मैं यहाँ पे तो मैग्नेटा कलर से क्लाउड्स बना रहा हूँ, फिर उसके बाद में मौसम और क्लाउड्स मिक्स होने के लिए थोड़ा ऑरेंज कलर भी ऐड करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे समय लास्ट में पर्पल कलर कर देंगे ऊपर के साइड, तो बाद में ब्लैक एक्रेलिक कलर का भी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटा कलर कर रहा थोड़ा सा क्लाउड्स बनाने के लिए, फिर उसके बाद में मैं फिंगर्स इसको मर्ज कर दूंगा। हमें यहाँ पे फिंगर से थोड़ा सा कलर को फीका कर देने का है। तो अब यहाँ पे फाइनली ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से काफी सारे चीजें बना दूंगा, जैसे कि जमीन, पेड़ पौधा, ये सब बना दूंगा। तो गाइस आप लोग सोचेंगे कि मैं ये वीडियो देख देख के ड्राइंग बनाऊंगा, तो गाइस इजीली आपका ड्राइंग आसानी से बन जाएगा, क्योंकि गाइस ये ड्राइंग काफी इजी और काफी प्यारा भी लगता है दिखने में, तो आप जरूर इसको बनाइएगा एक बार। तो गाइस इधर पे देखो मैं कितना अच्छा बना चुका हूँ, जब तक कि मैंने पेड़ बना दिया और पौधा भी बना ही रहा हूँ मैं, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। तो नीचे साइड थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर था तो मैं इसको वापस से नियॉन पिंक कलर से कलर कर दूंगा, फिर जमीन बना दूंगा इतना दूर, फिर थोड़ा सा किनारे में पेड़ बना देंगे, फिर उसके बाद में घास बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से घास बनाने के बाद मैं मार्कर कलर से अच्छे से क्रॉ बना दूंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डंडी बना दूंगा पेड़ की। तो गाइस चलो अब यहाँ पे फाइनली मास्किंग टेप निकाल देते। जैसा जैसा मास्किंग टेप निकाल रहे वैसा वैसा हमारी ड्रॉइंग कितनी मस्त लग रही है ना। तो गाइस ये देखो फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, वो भी मार्कर से, तो कितना मस्त लग रहा है ना। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।